रूस ते यूक्रेन विचाले जंग लगातार जारी है ते जंग दा अज दसवां दिन है। जेकर गल की जावे तो जंग दे विचाले कई विद्यार्थी ने जो फसे हुए सन ते उत्थे विद्यार्थन वंदना वापस भारत परती है ते वंदना दी वापसी ते पिंड वालियां वल्लों उत्सव भरवां स्वागत किया गया ते यूक्रेन दी खारकीव च डॉक्टरी पढ़ाई करती सी वंदना तां जदों ही घर वापस आती है तो पिंड वासियां वल्लों ते घर दे मैंबरां वल्लों उसका स्वागत किया जाता है ते वंदना वालों अपनी हड़बीती है जो पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए भी दसी गई है। सर वापिस आने के बाद हम तो वही रिक्वेस्ट भगवान से कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप कहते हैं गवर्नमेंट ने जहाँ पर गंगा मिशन चलाया हुआ है तो वो हंगरी के बाद सब कुछ फैसिलिटीज मिल रही है, बॉर्डर के अंदर कुछ नहीं। जहाँ पर बच्चों के प्रॉब्लम है ना, फैसिलिटीज वहाँ पर चाहिए, जहाँ पर पैसों से कुछ भी आदमी कर सकता है वहाँ पर बच्चे बैठे थे, जहाँ पर पैसा और इंसान दोनों काम नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं, फैसिलिटीज नहीं थी इनको कोई भी। सर जब बॉर शुरू हुई तो मैंने इनसे बात की और हमने टिकट लेने का भी निर्णय लिया, और प्रॉब्लम ये हुई कि वहाँ पर कह रहे थे क्लासेस ऑफलाइन चलेगी, ऑनलाइन नहीं स्टडी होगी, तो इसी कारण हमने इनकी टिकट नहीं ली। तो वहाँ के जो डीन्स है, प्रिंसिपल्स हैं इनके यूनिवर्सिटी के, उनका उन्होंने भी कहा था कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमने भी वहाँ पर रोक दिया। चलो ठीक है, जो बोल रहे हैं तो उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे बच्चों के।